किचन, आज हम लोग बनाएंगे एक मिठाई जिसका नाम है लैंगचा। ये बनता तो खोए और मैदे से ही है, लेकिन आज हम लोग कुछ दूसरे तरीके से बनाएंगे। इसके लिए जो सामग्री हमको चाहिए, चलिए देख लेते हैं। आपको चाहिए मिल्क पाउडर, शक्कर, इलायची के दाने, थोड़ा सा घी, मैदा, एक अंडा, दूध, तलने के लिए आपको रिफाइंड ऑयल की रिक्वायरमेंट है, और थोड़ा सा खाने का सोडा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा एक तो बड़ा बर्तन ले लें, और ये जो अंडा हम लोगों ने लिया हुआ था इसको अच्छे से फेंट लें। देख सकते हैं अंडा हमारा अच्छे से फटा गया है। अब इसको बाजू में रख लें, और सबसे पहले इस बर्तन में जो हम लोगों ने मिल्क पाउडर लिया हुआ था उसको मिला लें। साथ में डालें जो चावल आटा हम लोगों ने लिया हुआ है, वो एक बड़ा कटोरी मिल्क पाउडर में आप 1/4 कटोरी का आप चावल आटे का यूज करें। साथ में डाले थोड़ा सा शक्कर और करीब 1 टेबलस्पून के आसपास जो खाने का सोडा है वो। अब इन सारे सामग्रियों को अच्छे से मिला ले। चलिए इसमें थोड़ा सा आप मिला लीजिए घी। वेस्ट नहीं करना है, पूरा मिला लीजिए, और इसको भी आप इसी के साथ मत लें। इसी के साथ में आप डाल लें जो अंडे हम लोगों ने फेटे हुए रखे हुए थे, वो थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और इसको मथेंगे। और साथ में हम जो दूध हम लोगों ने लिया हुआ था वो दूध को डालेंगे, और इसको एक मुलायम आटे का डो बना के तैयार करेंगे। इसी समय आप जो हम लोगों ने इलायची पाउडर ले सकते हैं आप, या फिर इलायची को इस तरह से निकाल के आप इसी में कूट के डाल लें, या फिर अगर आपके पास इलायची पाउडर उपलब्ध है तो आप इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। एक मुलायम आटा का डो तैयार करें। चलिए सारी सामग्रियों को मैंने मिला दिया है, अब हम लोग इसमें दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको गूंथ के एक स्टिकी डो तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं ये डो तैयार है, इसी तरह से ये एक स्टिकी डो तैयार होगा। इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। जब तक ये रेस्ट हो रहा है तब तक हम लोग शुगर सिरप जो है वो बना के तैयार कर लेंगे। चलिए पहले शुगर सिरप को बना लेते हैं। इसके लिए कोई सा भी बर्तन ले लें, और उस पर आप डाल लें जो शक्कर है वो शक्कर, साथ में डाल ले जितना हम लोगों ने शक्कर लिया था जस्ट उसका डबल पानी। और इसको हम लोग चलाते हुए अच्छे से हम लोग चलाते हुए एक अच्छा बॉयल आने देंगे। चलाते हुए इसलिए ताकि नीचे से शक्कर जल ना जाए। कढ़ाई बिठा ले और इस पे डाल ले आप व्हाइट ऑयल।
तेल को गर्म होने दें। जब तेल गर्म होगा उसके बाद हम उसको फ्राई करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब जो ये उतना स्टिकी था, अब देखिए ये स्टिकीनेस इसका थोड़ा सा कम हो गया है। अब इसी चीज़ से हम लोग बैटर को थोड़ा सा और मत के, अब हम लोग इसका छोटे छोटे लोइया काट लेंगे और लैंगचा का आकार देंगे। चलिए इस तरह से आप लोई काट ले और फिर इसको लैंगचे का शेप दे। इस तरह से आप बना के सारे तैयार कर ले। आप चाहे छोटा या बड़ा कर सकते हैं आपके हिसाब से। मैं दो एक ठो आपको बना के बताती हूँ। आप चाहे तो इस साइज में भी रख सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं। मैं दोनों ही प्रकार आपको बना के दिखा देती हूँ। इसी तरह से बाकी सबका भी आप ऐसे देख सकते हैं। मैंने सारे के सारे बना के तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से आप भी बना के तैयार कर लें। इधर मेरी तेल गर्म हो चुकी है। अब जैसे तेल को आपको पूरा बहुत हाई हीट नहीं करना है, तेल हल्का सा गर्म होगा आप उंगली टच कर सकेंगे, इस स्टेज पे ही आपको ये डालने हैं। अब इसको हम लोग एक एक करके डालेंगे, हल्का हल्का होते हुए ही हमको इसको सेक के पूरा लाल करके फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कितना सुनहरा कलर आया है। गुलाब जामुन हम लोग थोड़ा सा हल्का करके फ्राई करके निकालते हैं, लेकिन क्योंकि ये लैंगचा है तो थोड़ा सा डार्क फ्राई होता है। ये देख सकते हैं फ्राई बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। इस बीच हमारा जो शुगर सिरप है वो भी बनके तैयार है, लेकिन हम गर्म हालत में ही शुगर सिरप में इसको डिप नहीं करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा रूम टेम्परेचर के आसपास आ जाएगा, थोड़ा सा हल्का जब गर्म रहे ये, उस समय हम लोग इसको शुगर सिरप में डालेंगे। इसी तरह से हम लोग बाकी का भी तल लेंगे। अब देख सकते हैं ये बनके फ्राई हो गया है, थोड़ा सा ब्लैकिश, इसको हम लोग उतार लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने हर साइज का फ्राई किया हुआ है, थोड़े बड़े में भी फ्राई किया है, थोड़े छोटे में भी फ्राई किया है। बाकी का भी इसी तरह से देखिए। अब बाकी सारे भी जितने थे लैंगचे वो मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं, और इधर मेरी चाशनी भी बनके तैयार है। अब हम लोग ये सबको चाशनी में डाल के अच्छे से डुबो लेंगे और करीब 10 मिनट आप गर्म चाशनी में डाल दें, और उसके बाद आप उसी चाशनी में इन सबको डूबे रहने दें करीब करीब 1 घंटा। उसके बाद आप ये सबको परोसें। अब सारे लैंगचे को आप चाशनी में डाल दें और अच्छे से पलटा पलटा के थोड़ा सा वो कर ले, और उसके बाद इनको इसी चाशनी में डूबे रहने दे करीब 1 घंटा। उससे पहले इनको निकालिएगा मत, क्योंकि अंदर तक ये चाशनी सोक करना जरूरी है, तभी ये अच्छे से नरम पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसको निकालें। 1 घंटे बाद अब ऐसे सब निकाल लें और परोसें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे जो भी नए विजिटर्स हैं वो सब से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।